नमस्कार, स्वागत है न्यूज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का। मैं हूं प्रियंका। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोल्हान विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय में नामांकन को लेकर घंटों कतारों में खड़े रहे छात्र छात्राएं, अंदर काउंटर क्लर्क लेते रहे चाय कॉफी की चुस्कियां। टाटा स्टील वेस्ट डिविजन से नाराज एनएस ग्रेड कर्मियों ने फिर से यूनियन कार्यालय में की वार्ता। अध्यक्ष ने अपनी नाराजगी जताते हुए मांगे रखी पर नतीजा शिफर। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों, विधायकों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। और सुनारी में चोरी गई साइकिलों के साथ पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार, छापामारी जारी। अब खबरें विस्तार से। कोल्हान विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय में अव्यवस्था का ये आलम है कि एमएससी, एमकॉम, एमए के नामांकन हेतु छात्र सुबह से ही दोपहर तक लंबी कतारों में खड़े रहे और मात्र 2 काउंटर होने की वजह से उन्हें काफी परेशानी उठानी पड़ी। दूसरी ओर इन सभी से बेखबर काउंटर क्लर्क चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। ये दृश्य है कोल्हान विश्वविद्यालय की शाखा कार्यालय का। छात्र छात्राओं की लंबी कतार बाहर सड़कों पर आ गई है, जहाँ भारी वाहन चलते हैं। सुबह से दोपहर हो गई है, पर काम कच्छप गति से चलता रहा। मजे की बात तो यह है कि इस अफरा तफरी और असंतोष के बीच जब काउंटर के अंदर नजर दौड़ाई गई तो काउंटर क्लर्क को निश्चिंत भाव से चाय की चुस्कियां लेते देखा गया। कोल्हान विश्वविद्यालय की व्यवस्था और तौर तरीकों को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ शिक्षकों की कमी तो दूसरी ओर कॉलेज के स्टाफ का ये बेफिक्र रवैया सचमुच निराश करने वाला है। और इतना भीड़ है, इतना धूप में लगे हैं और एक ही काउंटर में सारा सबको ले ले रहा है कि यहाँ पर जमा करना है, जमा करना है। या तो फिर डेट चल रही है, डेट आगे हो जाएगा ज्यादा ठीक है। कब से खड़े हो? 9 बजे से खड़े हो। क्या परेशानी क्या होती है? लाइन आगे नहीं बढ़ रहा, वहीं खड़ा है। इंतजार बहुत ही कम, एक ही काउंटर में दोनों फॉर्म ले रहा, साइंस कॉमर्स का दो फॉर्म ले रहा, साइंस और कॉमर्स का। कॉमर्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट है और साइंस में भी है, इसके लिए अलग अलग काउंटर होता तो बहुत जल्दी होता है। इसके बावजूद, इसके बाद भी अगर भीड़ रहेगी और एडमिशन लेने वाले की और संख्या बढ़ती रहेगी और आज भी डेट बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 20 तक डेट बढ़ा है, कल अखबार में भी ये मामला आ जाएगा और शाम तक नोटिफिकेशन सभी। हाल ही में हुए टाटा स्टील वेज रिविजन से एनएस ग्रेड कर्मी काफी असंतुष्ट हैं और शनिवार को यूनियन अध्यक्ष के समक्ष उन्होंने अपनी शिकायत रखी। वेज रिविजन से असंतुष्ट एनएस ग्रेड कर्मियों ने शनिवार को यूनियन कार्यालय जाकर अपनी शिकायत अध्यक्ष पीएन सिंह के समक्ष रखा, मगर अध्यक्ष ने उनकी शिकायतें सुनने के बाद कहा कि उन्होंने कर्मचारियों के हित को देखते हुए समझौता किया है। वो बात ये है, हमें यूनियन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं, एक विश्वास था कि जो एनएस ग्रेड के साथ गलत हुआ, आप लोगों ने हमारी बात सुनी अतीत में, उसे आप ठीक से रखेंगे। वो विश्वास टूटा है, इस वजह से अतीत में कुछ घटनाएं गलत हुई जिसका सबने विरोध किया, वो हमने अखबारों के माध्यम से पढ़ा। मेरा सिर्फ इतना कहना है आप सभी से, एक विश्वास जब किसी के बीच में टूटता है, वो चाहे मैनेजमेंट यूनियन के बीच में हो, चाहे वो यूनियन मैनेजमेंट के बीच में हो, या उनके खुद के मजदूर वर्कर और यूनियन के बीच में हो, वो किसी भी सिस्टम के लिए सही नहीं है। अगर कुछ ऐसा आपको भी लगता है कि सही नहीं हुआ, गलत है, उसे सुधारा जाए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। लोगों का हमने सुना, तो मैं दिल्ली में था जब ये घटना हुई, अखबार के थ्रू पढ़ा मैंने, उन लोगों का ये कहना है जो कटौती है वो परसेंटेज में है। जो कटौती हमारी तनख्वाह से होगी एनएस ग्रेड में, वो परसेंटेज में है, मगर जो बढ़ रहा है डीए वो फिक्स है। तो वो ये कहते हैं कि आज से 5 साल बाद आप देखें, जो चीज फिक्स है तो आज से 5 साल बाद भी फिक्स रहेगी, पर कटौती तो 5 साल बाद तो फिक्स नहीं है, वो तो प्रतिशत में, और बेसिक हर साल बढ़ता है, तो ये गलत है। मुझे ये समझ में आई बात, तो मुझे भी लगा हाँ ये गलत है। दूसरी, हम बच्चे हैं, हम क्या कह सकते हैं, पैसा बड़ी को लेकर कोई समझ नहीं आ रहा।
परिचय देंगे। ग्रुप सब ग्रुप सबसे किसे यहाँ गया भैया? अरे हम लोग का सारा 3.75% गया, अभी 24% ये कंपनी देगी और 24% आपका भी रहेगा, उसको हम सेविंग मानते हैं। तो 48% जो सेविंग हो रहा है, 30 साल इसका सर्विस है, कितना अमाउंट हो रहा है? यूनिट है, चिंता है, चिंता है मान उस समय तो रिजनी किया कि नहीं मिलता परसेंट नहीं करेंगे। जितना इम्प्रूविंग पड़ा है आप जिस कंडीशन पर आया वो मिलना चाहिए, इसका जो कंडीशन वो मिलना चाहिए था। अभी बोलने से कि डीए होना चाहिए, सब चाहता है, हम लोग ये बोले कि डीए कर दिए सबको बढ़ावा, स्टील वेज में ले आइए, ले आएगा। जब एग्रीमेंट जिस समय किया था उस समय कहाँ गए थे हम लोग? आने के बाद एग्रीमेंट हुआ है, अब प्लान कब किया? एग्रीमेंट कब हुआ? उसके पहले ही हो गया सर। उसके पहले कोई आदमी ज्वाइन किया है आपसे पहले? हाँ सर, 2 दिन बाद किया था। कहाँ था उस समय? आपको कोई चीज़ को समझिए, यूनियन पूरी ताकत ला करके आपको इस कंडीशन में लाया। एबनॉर्मल ये मानते हो कि 16,000 आदमी को गाड़ी देगा, हमको दीजिएगा 18.25%, उसको दीजिएगा 20%, 28%, 2% टैक्स, वो परसेंट हमको बढ़ सकता था, हमको मिल रहा था, 1% और इनकी करा देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, टैक्स नहीं मिल रहा, नहीं मिला एग्रीमेंट में था। इसको समझिए, आप इतना बार आए थे बराबर बोलते थे कि इम्प्रूवमेंट करेंगे, इम्प्रूवमेंट किसको बोलते हैं? मेजर इम्प्रूवमेंट हुआ है, कोई इसको गिना नहीं कर सकता। एक हर एक इंडिविजुअल को जो मिलना चाहिए था वो जो लिए, जो मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की प्रगति व कार्य में तेजी पर उपायुक्त ने शनिवार को अधिकारी एवं विधायकों तथा पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य एवं उनके समीक्षा के लिए उपायुक्त ने शनिवार को संबंधित अधिकारियों के अलावा विधायकों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। विधायक मेनका सरदार ने बैठक के विषय में बताया। सुनारी खड़कई एनक्लब से गत 10 अगस्त को चोरी गई 5 साइकिल समेत पुलिस ने 5 आरोपियों को धर दबोचा है। शनिवार को सुनारी थाना में मीडिया के समक्ष उन्हें पेश किया गया। इससे काम नहीं होगा। ये लोग खड़काई एनक्लब से 4 साइकिल की चोरी किए थे, जिसमें 4 साइकिल इन लोगों के पास से बरामद की गई है। और ये जो गिरफ्तार हुए हैं, इनका नाम है महावीर हेब्रम और अमित पासवान, निर्मल सिद्धू, सिकंदर कुमार पासवान और रवि मुंडा। सभी लोग जाहिरा बस्ती के रहने वाले हैं।